Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And it is my email ID, and we are in the process of discussing theories of for moral development, in which I have already covered theory of Piaget, Jean Piaget's theory about moral development. And today I am going to discuss Kohlberg's theory of moral development. Kohlberg is very much known for his theory of moral development. So let's start this discussion, and the lecture will be in bilingual mode and very useful for various teaching examinations because many questions have been asked from this topic. So let's start. First of all, Lawrence Kohlberg. Kaun रहे लॉरेंस कोलबर्ज किस लिए याद किए जाते हैं. लॉरेंस कोलबर्ज वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन मनोविज्ञानी थे, एंड बेस्ट नोन फॉर हिज थियरी ऑफ स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट. और इन्होंने जो नैतिक विकास के चरणों का हमको सिद्धांत बताया उसके लिए ये मुख्यतया जाने जाते हैं. ही सर्व्ड एज अ प्रोफेसर इन द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड एट द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. यानी कि शिकागो यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में इन्होंने अपनी सेवाएं दी. इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े मनोविज्ञानी रहे हैं. कोलबर्ग्स वर्क रिफ्लेक्टेड एंड एक्सटेंडेड नॉट ओनली पियाजेट्स फाइंडिंग्स बट आल्सो द थियरीज ऑफ फिलोसोफर्स जॉर्ज हर्बर्ट मीड एंड जेम्स मार्क बेल्डविक. मतलब कोलबर्ग साहब के काम में हमको पियाजे साहब की जो फाइंडिंग्स हैं उसका रिफ्लेक्शन दिखता है और उसका उन्होंने विस्तार किया. न सिर्फ पियाजे साहब के काम का विस्तार और रिफ्लेक्शन दिखता है बल्कि जॉर्ज हर्बर्ट मील और जेम्स मार्क बाल्डविन जो फिलोसोफर्स हुए उनकी भी थेरीज का रिफ्लेक्शन इनकी मॉरल डेवलपमेंट थेरी में हमको मिलता है. ही वॉज क्रिएटिंग अ न्यू फील्ड विद इन साइकोलॉजी मॉरल डेवलपमेंट. मतलब हमको ये इनको ये क्रेडिट दे सकते हैं कि साइकोलॉजी में मॉरल डेवलपमेंट की बात करने वाले ये सबसे खास वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक रहे हैं. एंड कोलबर्ग वॉज फाउंड टू बी द 30th मोस्ट एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी. अगर हम 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो उसमें 30वें नंबर पे हम कह सकते हैं कि इनका नाम आता है मोस्ट एमिनेंट. यानी कि सिर्फ 29 लोग हैं जो इनसे ऊपर हैं. ओके तो अब इनकी थ्योरी पे बात करते हैं. कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या कह रहे हैं ये नैतिक विकास पे. ये कह रहे हैं कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज अ थ्योरी दैट फोकसेस ऑन हाउ चिल्ड्रन डेवलप मोरालिटी एंड मॉरल रीजनिंग. मतलब मैं हम लोगों ने देखा था कि पियाजे साहब भी मॉरल रीजनिंग की बात कर रहे हैं. वो भी इस पर इंफेसिस कर रहे थे कि बच्चा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, बच्चा क्या सोच रहा है, कैसे सोच के उस डिसीजन तक पहुंचा है. उसी तरह से कोलबर्ग साहब की थ्योरी भी इस बात पर फोकस करती है कि कैसे बच्चों में नैतिकता का विकास होता है, नैतिक तार्किक क्षमता का विकास होता है. ही हैज मॉडिफाइड एंड एक्सटेंडेड, ये तो हो गया, एक्सपेंडेड ऑन जॉन पियाजेट्स वर्क, बट वाज मोर सेंटर्ड ऑन एक्सप्लेनिंग हाउ चिल्ड्रन डेवलप मॉरल रीजनिंग. यानी कि मोस्टली इनका काम इसी पर फोकस है कि कैसे नैतिक तार्किक क्षमता बच्चों में विकसित होगी या हो रही है. फिर पियाजे ने तो हमको दो स्टेजेस बताई थी, हम लोग जानते हैं कौन कौन सी, हेट्रोनोमस मोरालिटी और ऑटोनोमस मोरालिटी. हेट्रोनोमस मोरालिटी को मॉरल रियलिज्म कहा जा रहा था, ऑटोनोमस मोरालिटी को मॉरल रिलेटिविज्म कहा जा रहा था. इन्होंने क्या किया कि पियाजे साहब की थ्योरी को एक्सटेंड कर दिया और इन्होंने कहा कि मॉरल डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है, यानी कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है. दैट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. यानी कि जीवन पर्यंत हमारे अंदर नैतिकता का विकास होता है और हम उच्चतम चरण पर पहुंच सकते हैं. His theory outlines six stages of moral development within three different levels. यानी कि इन्होंने हमको तीन स्तर बताए हैं और हर स्तर के दो सब लेवल बताए हैं. तो इस तरह से पूरा इनका 6 स्टेज की थ्योरी चलती है. कोलबर्ग बेस्ड his theory on a series of moral dilemmas presented to its study subjects. Participants were also interviewed to determine the reasoning behind their judgments in each scenario. मतलब इन्होंने जो थ्योरी अपनी बनाई वो कैसे बनाई, हर जो इनका पार्टिसिपेंट था उसको इन्होंने एक नैतिक द्वंद टाइप की स्थिति दी, डायलेमा दिया कि मतलब ये सही है या ये सही है. और दोनों पक्ष अगर आप एक एंगल से देखेंगे तो एक पक्ष सही लगेगा, एक एंगल से देखेंगे तो एक पक्ष सही लगेगा. जो इनकी मोस्ट फेमस स्टोरी है हिंज की स्टोरी, उसमें ये है कि उसकी एक व्यक्ति है, उसकी वाइफ को कोई बहुत ही क्रिटिकल कैंसरस डिजीज है और उसके लिए उसको दवा लेनी है और दवा सिर्फ एक स्टोर पर मिलती है. और वो उस स्टोर का मालिक जो है उसने बहुत मेहनत से अपने जीवन में बहुत 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 समय देकर वो प्रोडक्ट बनाया, तो उसको उतने ही पैसे में बेचता है, उससे कम में बेचेगा तो उसको बहुत बड़ा लॉस होगा, समथिंग लाइक दैट.
और वो उसके पास उससे कम पैसे हैं, लेकिन उसके लिए वो लाइफ सेविंग डिजीज लाइफ सेविंग मेडिसिन है और उसको वो किसी भी कीमत पे चाहिए, तो वो उस दुकान वाले से मांगता है लेकिन उसको देता नहीं कि नहीं इतने पैसे होंगे तभी देंगे बिकॉज मैंने पूरा जीवन लगाया इसको देने में, इसको बनाने में। तो वो अंततः उसकी चोरी कर लेता है वो दवा, कुछ इस तरीके की ये स्टोरी है। तो इसमें पूछा जाता है पार्टिसिपेंट से कि कौन सही है, वो जो दवा नहीं दे रहा था या देना चाहता था पर्टिकुलर अमाउंट में, या वो जिसको अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए वो दवा चाहिए थी, किसका एक्ट सही है। तो दोनों आप एक पक्ष देखेंगे तो आपको वो आदमी भी सही है, उसको अपनी पत्नी की जान बचानी है, वो व्यक्ति भी सही है जिसने अपना पूरा जीवन दिया है, तो उसको भी उसका हमको प्रतिफल देना चाहिए। तो इस तरीके के मॉरल डायलेमास पार्टिसिपेंट्स को दिए गए और उनसे बताया गया कि आप चुनिए क्या सही है क्या गलत, कैसे वो मॉरल रीजनिंग कर रहे हैं और कैसे वो उस जजमेंट तक पहुंचे। तो मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति सही है जिसको अपनी पत्नी की जान बचानी है, तो वो क्यों ऐसा कह रहा है। अगर वो कह रहा है कि वो शॉपकीपर सही है, वो मेडिसिन जो बेच रहा है वो सही है, तो क्यों सही है। तो ये मॉरल रीजनिंग, किस मॉरल रीजनिंग के तहत हम वहां तक पहुंचे हैं, कैसे जजमेंट लिया गया, इस पर इन्होंने अपनी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। तो इनकी थ्योरी ये है, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हमको याद रखना है। प्री कन्वेंशनल, यहाँ प्री मॉरल लिखा लेकिन जनरली आपको प्री कन्वेंशनल मिलेगा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। आसान है, एक मतलब कन्वेंशनल हो गया, उसके नीचे प्री कन्वेंशनल, उसके ऊपर पोस्ट कन्वेंशनल। लेकिन उसमें जो दो 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 सबसेट हैं वो हमको याद रखने हैं। प्री कन्वेंशनल में क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट और इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। कन्वेंशनल में क्या है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। और पोस्ट कन्वेंशनल में क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स और यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो जो ये छठवां चरण है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ये उच्चतम स्तर है नैतिकता का, यानी कि नैतिक विकास सर्वोत्तम दृष्टि का हो जाएगा अगर हम यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स के स्टेज पर पहुंच गए तो। और जो मिनिमम लेवल का है जो बच्चों में होता है जनरली, वो क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, है ना। हम लोग समझते हैं कि बच्चा क्यों किसी बात को मानता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो नहीं मानेगा तो उसको सजा मिलेगी, दैट्स इट। उसके अंदर मोरालिटी का और कोई एस्पेक्ट नहीं होता है। तो ये ओबीडियंस एंड पनिशमेंट समथिंग इज लाइक दैट और हेट्रोनोमस मोरालिटी ऑफ जा पियाजे। तो हमको याद क्या रखना है कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। कन्वेंशनल में गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगी। जब हम इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज पे जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम इसलिए अच्छा करते हैं कि आप हमारा अच्छा करें, है ना, एक्सचेंज चलता है। फिर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हम इसलिए अच्छा करते हैं कि हमें लगता है कि हम अच्छे बच्चे कहलाएं, हम अच्छे व्यक्ति कहलाएं, हम अच्छे लड़के अच्छी लड़की कहलाएं। फिर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर में क्या होता है, हम चाहते हैं कि एक सोशल ऑर्डर समाज का है वो बना रहे। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स में क्या होता है, हम राइट समझ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाते हैं, हम समझ जाते हैं कि स्टेट के रूल्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशन हैं, उनको गवर्न करना जरूरी है, उनको ओबे करना जरूरी है, तभी एक एक सामाजिक व्यवस्था बन सकती है। और यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल में हम एकदम उच्चतम स्तर पे होते हैं और हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो सही है। ओके, तो वन बाय वन लेते हैं इसको। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी क्या है कि लास्ट अंटिल द एज ऑफ 9, 9 वर्ष तक ये चलेगी। एट दिस एज, इस उम्र में क्या होता है कि चिल्ड्रंस डिसीजंस आर प्राइमरीली शेप्ड बाय द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एडल्ट्स। यानी कि बच्चा किस तरह से निर्णय लेता है, उसको पता है कि बड़ा उससे क्या चाहता है, उसका पेरेंट उससे क्या चाहता है, टीचर्स उससे क्या चाहते हैं, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। और उसको ये भी पता है कि अगर उसने रूल तोड़ा तो उसको क्या परिणाम मिलेगा, इसलिए वो मानता है बात आपकी। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन डोंट हैव ए पर्सनल कोड ऑफ मोरालिटी। बच्चे का यहाँ अपना कोई पर्सनल कोड नैतिकता का नहीं होता है इन अकॉर्डिंग टू कोलबर्ज। देयर आर टू स्टेजेस, दो स्टेजेस बताई थी कौन कौन सी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट और इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट जैसा नाम से स्पष्ट है, वो आज्ञा का पालन करता है इसलिए कि सजा ना मिले। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ज, पीपल मतलब चिल्ड्रन एट दिस स्टेज सी रूल्स एज फिक्स्ड एंड नॉट एब्सोल्यूट। देखिए यहां तक हम पियाजे के संगत चल रहे हैं। पियाजे भी हेट्रोनोमस मोरालिटी में क्या कहते हैं कि वहां पे बच्चे को ये पता है कि रूल्स जो है वो डिवाइन है, एब्सोल्यूट है, अनचेंजेबल है। और यहाँ पे भी यही बात है, ओबेइंग द रूल्स इज इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि रूल को मानना जरूरी है, क्यों, बिकॉज इट इज अ वे टू अवॉइड पनिशमेंट, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम सजा से बच सकते हैं। इफ ए पर्सन इज पनिश्ड दे मस्ट हैव डन रॉन्ग। उनको लगता है कि अगर किसी को सजा मिली है तो इसका मतलब कि उसने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, ठीक है। फिर स्टेज टू में क्या है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। यहाँ पे हम थोड़ा सा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट से आगे निकल गए। इसमें क्या है, इट एक्सप्रेसेस द व्हाट्स इन इट फॉर मी। यानी कि अगर आप बच्चे को कुछ कहेंगे कि ऐसा करो तो कहेगा उससे मुझे क्या लाभ है। पोजिशन इन विच राइट बिहेवियर इज डिफाइंड बाई वॉट एवर द इंडिविजुअल बिलीव्स टू बी इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। वो कहता है कि सही व्यवहार वो है जिसमें से मतलब हमारा भी उसमें से कुछ बेस्ट इंटरेस्ट निकल कर आए। एज अ रिजल्ट कंसर्न फॉर अदर्स इज नॉट बेस्ड ऑन लॉयल्टी और इंट्रिंसिक रेस्पेक्ट
बट रादर एन एक्सचेंज मेंटेलिटी। वो कह रहा है कि दूसरे के लिए बच्चा यहाँ पे सरोकार इसलिए रखता है, इसलिए नहीं कि वो बहुत लॉयल है उसके प्रति, बहुत सम्मान है उसके प्रति, बल्कि इसलिए कि उसको लगता है कि आज हम इनकी मदद करेंगे तो कल ये हमारी मदद करेंगे, है ना। एट दिस स्टेज चिल्ड्रेन रिकॉग्नाइज दैट देयर इज नॉट जस्ट वन राइट व्यू दैट इज हैंडेड डाउन बाय द अथॉरिटीज, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। यानी यहाँ पे बच्चे की रीजनिंग थोड़ी सी बढ़ गई और ये समझ आता है कि कई लोगों के कई पक्ष हो सकते हैं। फिर आइए कन्वेंशनल मोरालिटी पे। ये कह रहे हैं कि द नेक्स्ट पीरियड ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज मार्क बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रूल्स रिगार्डिंग व्हाट इज गुड एंड मॉरल। यानी कि यहाँ पे बच्चे में ये स्वीकार्यता आ जाती है कि सामाजिक नियम हैं जो कि अच्छे हैं, जो कि नैतिक हैं और हमें मानने चाहिए। ड्यूरिंग दिस टाइम एडोलेसेंट, अब ये हम नौ वाली स्टेज क्रॉस करके हम एडोलेसेंस में आ गए, एडल्टहुड में आ गए, तो क्या हुआ कि ड्यूरिंग दिस टाइम एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स इंटरनलाइज द मॉरल स्टैंडर्ड्स, दे हैव लर्न फ्रॉम देयर रोल मॉडल्स एंड फ्रॉम सोसाइटी। मतलब आंतरिक रूप से हम उसको अपना लेते हैं अंदर ही अंदर कि ऐसे करना है, हमको दूसरों का सम्मान करना है, अपमान नहीं करना है, किसी से चोरी नहीं करनी है, किसी का किसी कुछ बुरा व्यवहार नहीं करना है। ये हमने अपने रोल मॉडल से, सोसाइटी से इंटरनलाइज कर लिया है नैतिक नियमों को, नैतिक मानकों को। फिर अथॉरिटीज इंटरनलाइज बट नॉट क्वेश्चन एंड रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप टू व्हिच द पर्सन बिलोंग्स। वो कह रहे हैं कि अथॉरिटी को हमें इंटरनलाइज करें और उस पर हम क्वेश्चन नहीं करते हैं इस स्टेज पे। किस स्टेज पे? कन्वेंशनल मोरालिटी। तो इसके दो सब स्टेजेस कौन कौन सी हैं? गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो कि आपको कई जगह गुड बॉय या नाइस गर्ल ओरिएंटेशन के नाम से भी मिलेगा, और मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे बच्चा इसलिए एडोलेसेंट इसलिए अच्छा काम करता है, इसलिए दूसरों के संग अच्छा व्यवहार करता है, नैतिकता के नियमों का पालन करता है कि उसको लगता है कि वो एक अच्छा बच्चा कहलाए, क्योंकि यहाँ पे बॉडी इमेज और सेल्फ वर्थ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दिस स्टेज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज फोकस्ड ऑन लिविंग अप टू सोशल एक्सपेक्टेशंस। यानी कि यहाँ पे हम सामाजिक जो हमारे से अपेक्षाएं हैं उस से सरोकार शो करते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। एंड रोल्स, देयर इज एन एम्फेसिस ऑन कन्फॉर्मिटी, मतलब हम नियम के अनुरूप चलना चाहते हैं, नियम से रेडिएट नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि बीइंग नाइस एंड कंसिडरेशन ऑफ हाउ चॉइसेस इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको नाइस का ठप्पा मिले, हमको कहा जाए कि ये अच्छा लड़का है, ये अच्छी लड़की है। फिर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर में क्या है, यहाँ क्या होता है, दिस स्टेज इज फोकस्ड ऑन इंश्योरिंग दैट सोशल ऑर्डर इज मेंटेन। यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं भाई एक सामाजिक नियम है जो कि बना रहना चाहिए। द फोकस इज ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, हमारा फोकस इस पे होता है कि लॉ ऑर्डर बना रहे, बाई फॉलोइंग द रूल्स हम नियम माने, डूइंग वंस ड्यूटी अपने कर्तव्य निभाएं, एंड रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी, और जो हमारी अथॉरिटी है उसकी रिस्पेक्ट करें। मॉरल रीजनिंग इन दिस स्टेज इज बियॉन्ड द नीड फॉर इंडिविजुअल अप्रूवल एग्जिबिटेड इन प्रीवियस स्टेज। गुड बॉय नाइस गर्ल में या इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज में हमारा इंडिविजुअल अप्रूवल उसमें जरूरी है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमने उसको अपना लिया है, इंटरनलाइज कर लिया है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी रिमेन एट दिस स्टेज। कोलबर्ज कहते हैं कि हमारी सोसाइटी के मैक्सिमम लोग इसी स्टेज पर आके रह जाते हैं, वो पांचवी छठे स्टेज पर नहीं पहुंचते हैं। कहां? जहां पे वो सिर्फ बातों को इसलिए मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, रीजनिंग एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल क्या सही है क्या गलत, इस पे ज्यादा क्वेश्चनिंग यहाँ नहीं है। फिर लास्ट स्टेज क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये क्या कह रहा है, हियर ए पर्सन सेंस ऑफ मोरालिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोर एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स। यानी कि यहाँ पे जो नियम है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो अमूर्त हो जाते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिस्ट लिव बाय देयर ओन एथिकल प्रिंसिपल। अगर हम इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे, इसका मतलब कि हमारे अपने नैतिक मूल्य हो जाते हैं, अपने नैतिक सिद्धांत होते हैं और उनका हम पालन करते हैं। दे व्यू रूल्स एज यूजफुल बट अनचेंजेबल मैकेनिज्म्स रादर देन एब्सोल्यूट डिक्टेट्स। वो मानते हैं, यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निस्ट मानते हैं कि जो नियम है वो यूजफुल है ना, और उपयोगी है हमारे लिए, और एब्सोल्यूट डिक्टेट्स हैं दैट मस्ट बी ओबेड विदाउट क्वेश्चन, है ना, जिनका कि पालन किया जाना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि सम थियरिस्ट हैव स्पेकुलेटेड दैट मेनी पीपल मे नेवर रीच दिस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मॉरल रीजनिंग। मतलब बहुत से हमको मनोवैज्ञानिकों ने, व्यवहार थियोरिस्ट ने ये बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो इस स्टेज पर पहुंच ही नहीं पाते, यानी कि वो चौथी स्टेज पे ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे ही वो उनकी मोरालिटी खत्म हो जाती है, वहीं उच्चतम स्तर बन जाता है। तो इसमें क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन क्या है कि लॉज आर रिगार्डेड एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो कहते हैं नियम क्या है, सामाजिक हमारे करार हैं, rather than rigidities, मतलब ये इतना rigid नहीं है। Those that greatest good for these that do not promote the general welfare should be changed when necessary to meet the greatest good for the greatest number of people। कह रहे हैं कि मतलब वो नियम ऐसा होना चाहिए जो बहुत सारे लोगों का बहुत भला करे,
और अगर ऐसा नहीं करा तो वो चेंज किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे आदमी ये माने लगता है कि अनचेंजेबल रूल्स नहीं है, अगर वो बहुत लोगों का बहुत भला नहीं कर रहा है इसका मतलब कि उसमें कोई दिक्कत है, उसको चेंज किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे उनकी क्वेश्चनिंग रीजनिंग थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट लेवल की, थोड़ी हायर लेवल की हो गई है। दिस इज अचीव थ्रू मेजोरिटी डिसीजन एंड इनएविटेबल कॉम्प्रोमाइज। तो बहुत सारे लोग अगर ये डिसीजन लेंगे कि हाँ चेंज किया जाना चाहिए तो चेंज कर दिया जाएगा। और यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में क्या है, इट इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यूजिंग यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। दीज आर एब्स्ट्रैक्ट रादर देन कॉन्क्रीट एंड फोकस ऑन आइडियाज सच एज इक्वालिटी, डिग्निटी और रिस्पेक्ट। यानी कि यहाँ पे हम अमूर्त नैतिक सिद्धांतों के वश में अपना काम कर रहे हैं, और ये सिद्धांत क्या है, समानता, समता, सबके लिए डिग्निटी, सबके लिए सम्मान, सबके लिए रिस्पेक्ट। तो इन नियमों के तहत हम तय करते हैं कि हमको क्या डिसीजन लेना है। पीपल चूज टू द एथिकल प्रिंसिपल दे वांट टू फॉलो एंड इफ दे वायलेट दिस प्रिंसिपल दे फील गिल्टी। मतलब लोगों के अपने नैतिक सिद्धांत इस वक्त होते हैं और वो उनको फॉलो करना चाहते हैं, अगर वो उनको फॉलो नहीं कर पाते तो उनको अपराध बोध होता है। तो इन दिस वे द इंडिविजुअल एक्ट्स बिकॉज इट इज मॉरली राइट टू डू सो। तो यहाँ पे व्यक्ति किस तरह से बिहेव करता है, इसलिए बिहेव करता है क्योंकि नैतिक रूप से वो सही है, इसलिए करता है। मतलब सोशल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज हो, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन हो, ये सारी कोई बातें नहीं है, सिर्फ इसलिए कि सही है इसलिए किया जा रहा है। तो इसका मतलब कि दैट्स व्हाई इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो शुरू हमने कहाँ से किया था, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, फिर हम आए इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, फिर हम आए गुड बॉय नाइस गर्ल, फिर हम आए लॉ एंड ऑर्डर, फिर हम आए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और बाद में हम आते हैं एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल तक। तो इस तरीके से नैतिकता का विकास व्यक्ति में होता है, ऐसा हमको कोलबर्ज बताते हैं। तो कोलबर्ट साहब की इनकी मॉरल डेवलपमेंट की ही थ्योरी है, इसलिए मॉरल डेवलपमेंट में बहुत पूछे पढ़ाए जाते हैं। यही पूछा जाएगा मिडिल कौन सी है, ये किसका सब पार्ट है, ये किसका सब पार्ट है। तो आपको तीनों तीनों के सब पार्ट, तीनों की खासियत सब पता होगा, तभी आप सही उत्तर लगा पाएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। और इनका क्रिटिकल इवेल्यूएशन अगर करें तो ये क्रिटिक भी इनके बहुत है, क्योंकि कुछ इनकी थ्योरी में कुछ कमियां सॉर्ट ऑफ हैं। जैसे कि Kolbach has been criticized for this, his assertion that women seem to be deficient in their moral reasoning abilities when compared to men. देखिए, इन्होंने जो अपनी रिसर्च की उसमें जो मेजर इनके जो सैंपल था वो उन्होंने मैन लिया, आदमियों को लिया, औरतों पे इन्होंने नहीं ये रिजल्ट किया है। इनका मानना था कि जो मॉरल रीजनिंग एबिलिटीज है वो वुमेन में कम है। अब यहीं से ये बात किसके घेरे में आ जाएगी ना, कि गड़बड़ है ये बात। तो कैरोल गिलिगन जो इनकी एक स्टूडेंट रही, उन्होंने कहा कि क्रिटिसाइज्ड हर फॉर्मर मेंटर्स थ्योरी, उन्होंने इनकी अपनी मतलब अपने मेंटर की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया और कहा इंस्टेड प्रपोज दैट मेल्स एंड फीमेल्स रीजन डिफरेंटली। उन्होंने कहा कि कमतर नहीं सोचती हैं, बस अलग तरीके से तर्क करती हैं महिलाएं। गर्ल्स एंड वीमेन फोकस मोर ऑन स्टेइंग कनेक्टेड एंड मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। वो कह रही हैं कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो इस पे ज्यादा फोकस करती हैं कि हम जुड़े रहें और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन रहे। जबकि उन्होंने उनको लगा कोलबर्ज को कि उनकी रीजनिंग एबिलिटीज डेफिशिएंट है, इसलिए उन्होंने ज्यादातर आदमियों पर अपनी रिसर्च की है। फिर कोलबर्ज थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर एम्फसाइजिंग जस्टिस टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर वैल्यूज। यानी कि इन्होंने सबसे ज्यादा मॉरल वैल्यूज में भाई जस्टिस ही थोड़ी है, और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं जो मॉरल वैल्यूज के अंतर्गत आती हैं, लेकिन कोलबर्ज ने सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया जस्टिस पे और बाकी मॉरल वैल्यूज को थोड़ा दरकिनार किया। तो विद द रिजल्ट दैट इट मे नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ दोज हु वैल्यू अदर मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शंस। भाई हर व्यक्ति जस्टिस ही नहीं चाहता है, किसी को डिग्निटी पे ज्यादा बल देगा, कोई इक्वालिटी पे ज्यादा बल देगा, कोई रेस्पेक्ट पे ज्यादा बल देगा, जस्टिस जरूरी नहीं है, सब लोग जस्टिस पे ही सबसे ज्यादा बल दें। तो जो दूसरे एस्पेक्ट हैं मॉरल वैल्यूज के वो छूट गए। और सिमिलरली क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट कोलबर्ट स्टेजेस आर कल्चरली बायस। देखिए, इन्होंने जितनी अपनी रिसर्चेस की वो अपर मिडिल क्लास लिया है या अपर क्लास लिया है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को इन्होंने नहीं लिया है। और वेस्टर्नाइज्ड, चूंकि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है ना, तो इन्होंने नॉन वेस्टर्न लोगों को भी नहीं लिया है। और वेस्टर्नाइज्ड लोगों का थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं इंक्लिनेशन इंडिविजुअलिस्टिक होता है। तो ये कुछ खामियां हैं इनकी थ्योरी में, फिर भी ये एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, और हमको एक 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 रास्ता तो बताती ही है कि कैसे नैतिक विकास व्यक्ति में होता है या कहाँ तक हम जा सकते हैं। ओके, सो आई हैव कवर्ड पियाजे ऑन मॉरल डेवलपमेंट, आई हैव कवर्ड कोलबर्ज ऑन मॉरल डेवलपमेंट, ओनली वन थ्योरी हैज बीन लेफ्ट व्हिच इज ट्यूरियल्स थ्योरी, एंड आई विल डिस्कस, आई विल शेयर इट वेरी सून सो दैट आई कैन कवर द टॉपिक ऑफ मॉरल डेवलपमेंट टू। So thank you all, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. Okay, done from my side.